हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रेड अप क्लासेस से अरुण सर। मैं आप लोग के बीच में निर्वाचन आयोग के पार्ट टू लेकर आया हूं। और आप जो पहले वीडियो पार्ट वन में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, तो यहां पे निर्वाचन आयोग पहले ही बताया गया है कि अनुच्छेद 324 से 329 तक कितना वर्णन किया गया, 324 से लेकर 329 तक, और भाग कितना बोल रहा है निर्वाचन आयोग के बारे में, 15। और निर्वाचन आयोग जो लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड के सिद्धांत से लिया गया निर्वाचन आयोग। पिछली बार मैं वीडियो में नहीं बता पाया था कि निर्वाचन आयोग कहाँ से लिया गया, वो याद रखें कहाँ से लिया गया, यूके यानी इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज आपको, इससे पहले अनुच्छेद 326 मैं बता चुका हूँ पहले पार्ट वन वीडियो में, तो 326 मालूम होगा कि बहुत मोस्ट है। 326 के बारे में पूछता है कि मैं कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है कि जो वोट देने का अधिकार 18 वर्ष यानी वयस्क जो कहा जाता है, माना गया 18 वर्ष की उम्र को, वो कितने अनुच्छेद बोल रहा है, 327 बोल रहा है। अनुच्छेद कितना बोल रहा है, 327 सॉरी अनुच्छेद 327 नहीं 326 326 में वोट देने का अधिकार दिया गया है। आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चलेंगे अनुच्छेद 327 क्या बोल रहा है। 327 बोल रहा है कि संसद विधानमंडल जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कानून ने संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। किसके यानी संसद में लोकसभा और विधानसभा क्या बोलते हैं, सॉरी संसद में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, या फिर विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो कानून वो बनाएगा वो कौन बनाएगा। आप देखेंगे अनुच्छेद 328 क्या बोल रहा है, 328 आर्टिकल्स क्या बोल रहा है। देखेंगे कि यहाँ पे कि राज्य के विधानमंडल विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव के संबंध में कानून वो कौन बनाएगा, वो विधानमंडल बनाएगा। कौन बनाएगा? विधानमंडल, विधानसभा, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, याद रखेंगे। और उसमें जो चुनाव के संबंध में जो कानून बनाएगा वो विधानमंडल बनाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा कि संसद थोड़ा सा अनुच्छेद हम लोग ले लेते हैं। हम लोग संसद गठन अनुच्छेद 79, विधानमंडल अनुच्छेद 168, और राष्ट्रपति होगा 52, उपराष्ट्रपति होगा 63, ये आर्टिकल्स बोल रहा है। ठीक है, अरे ये तो बता चुके हैं राज्य के विधानमंडल, ये अनुच्छेद 328 के बारे में बता चुके हैं कि राज्य के विधानमंडल विधानसभा एवं विधानसभा विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव के संबंध में क्या बोलते हैं, चुनाव के संबंध में कानून विधानमंडल बनाएगा। ये तो क्लियर हो गए अनुच्छेद कितना 328 बोल रहा है। और ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत के चुनाव से संबंधित जो भी हो कानून वो राज्य विधानमंडल ही बनाएगा। अब देखेंगे अनुच्छेद 329 क्या बोल रहा है कि चुनाव संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह अनुच्छेद 329 बोल रहा है। यानी चुनाव संबंधित मामला जो भी हो इसमें न्यायालय मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह अनुच्छेद 329। अब हम लोग अलग से देखेंगे अनुच्छेद 82 क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, ये बोल रहा है। ये अनुच्छेद कितना बोल 82। अगर आपसे पूछ दे प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद, यानी जो 10 वर्ष की जनगणना होती है, 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होती है वो चुनाव क्षेत्र में जो परिसीमन किया जाएगा वो आर्टिकल्स कितना बोल रहा है, 300 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 82 बोला है। क्या बोला है? 82। अब इसमें देखेंगे 82 में संशोधन किया गया कि 42वें सिद्धांत संशोधन 1976
76 याद रखेंगे, इसको बोलते हैं लघु संशोधन। किवें संशोधन को? 42वें, या मिनी संशोधन बोलते हैं। तो 42वें सिद्धांत संशोधन 76 में क्या हुआ कि विरास जो अनुच्छेद 82 में संशोधन कर, अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परसीमन पर जो है आपका वर्ष 2000 तक रोक लगा दे। कितना वर्ष तक? वर्ष 2000 तक रोक लगा दी परसीमन पर, ठीक है। ये अनुच्छेद किस में संशोधन करके? अनुच्छेद 82 को संशोधन करके। किवें संशोधन द्वारा? 42वें सिद्धांत संशोधन 76, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे एक मोस्ट सवाल पूछता है कि एक 84वें सिद्धांत संशोधन हुआ 2001, 84वें सिद्धांत संशोधन 2001 के तहत जो है लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें जो है 2026 तक यथावित रहेगा, एक घोषणा किया गया। किवें संशोधन द्वारा? 84वें सिद्धांत संशोधन 2001 के तहत। बहुत मोस्ट याद रखेंगे सवाल, किस टाइप का बनेगा सवाल, आपसे पूछे कि लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें 2026 तक यथावित रहेगा, ये किवें संशोधन के द्वारा जो मतलब किया गया वो 84वें सिद्धांत संशोधन 2001 के तहत, ठीक है। इस तरह ऐसे याद रखेंगे, ये बहुत पूछते रहता है सवाल। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बनाया है वीडियो, वो जो क्वेश्चन बनाया गया है बहुत शॉर्ट करके बनाया गया, जो परीक्षा से रिलेटेड हो, परीक्षा में पूछते रहता है, वो मैंने क्वेश्चन सेट तैयार किया, वीडियो बनाया है जो एनसीईआरटी बुक पर एनसीईआरटी बुक से लिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट चल रहे थे हम लोग, उसमें आ गया कि अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, निर्वाचन आयोग के बारे में बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग की क्या बोल रहा है यहाँ पे, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, ये है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है ये आपका। तो पॉइंट पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था, निर्वाचन आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में उल्लेख किया गया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। निर्वाचन आयोग एक है देता है ऐसे, निर्वाचन आयोग एक है संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक है, अगर ऐसे ऑप्शन दे तो आपका आंसर क्या होगा, संवैधानिक संस्था। या सवाल बना के देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक है, तो ऑप्शन देगा मुख्य न्यायाधी क्या बोलते हैं चुनाव आयोग, आपका देगा वित्त आयोग, आपका देगा कैग देगा, इस तरह ऐसे देगा आपको राष्ट्रीय विकास परिषद देगा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या गैर संवैधानिक है, इस तरह ऐसे जो ऑप्शन देगा उसके अनुसार आंसर देना है आपको। उन्हें निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा क्या बोल रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, याद रखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य जो होते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो महाभियोग प्रक्रिया जैसे, किस तरह, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर नहीं, जो राष्ट्रपति को महाभियोग से महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। हाँ यहाँ पे देखेंगे कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ये बोल रहा है यहाँ पे किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को मतलब किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, क्या बोल रहा है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे महाभियोग जो प्रक्रिया जैसी जो लाया जाएगा वो किसके द्वारा लाया जाएगा, वो संसद के द्वारा, और संसद के द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जाएगा वो 2/3 बहुमत से, कितना, 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करके संसद के द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है, जो उसको मतलब जो हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग जो लगाएगा वो संसद लगाएगा, याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा यहाँ पे बोल रहा है
किसके मतलब है, बराबर होता है तो मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, यानी मुख्य न्यायाधीश का वेतन और सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन और चुनाव आयुक्त का वेतन दोनों का समान ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य जो होता है अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन वो भारत की संचित निधि से, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उसको जो वेतन दिया जाता है किस निधि के तहत, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट याद रखें, भारत की संचित निधि अनुच्छेद कितना बोल रहा है, 266। संचित निधि अनुच्छेद कितना बोल रहा है, 266, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगला क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय दल, अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होना चाहिए, ये सवाल है। ठीक है, कि जो राष्ट्रीय पार्टी, अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी प्राप्त करना है, राष्ट्रीय मतलब है दल का दर्जा प्राप्त करना है, हासिल करना है, तो आपको क्या क्या शर्तें होना चाहिए, ये यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा आम चुनाव एवं विधानसभा आम चुनाव में किन्हीं चार, क्या बोल रहा है, किन्हीं चार अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा, ये बोल रहा है। अगर लोकसभा आम चुनाव हो या विधानसभा आम चुनाव हो उसमें इन्हीं चार मतलब चार अधिक राज्यों से कितना कुल जो है डाले गए वैध मतों का कितना 6% प्राप्त करना जरूरी होगा, तब आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आगे चलेंगे, याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे लोकसभा आम चुनाव कब हुआ, तो 1951-52 में, पहली लोकसभा आम चुनाव कब हुआ, 1951-52 में, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी में क्या अगला पॉइंट बोल रहा है कि किसी एक क्या बोल रहा है, किसी एक राज्य अथवा राज्यों से, किसी एक बोल रहा है राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें, कितना बोल रहा है, 4 सीटें जितनी होगी। अगर विधानसभा से बोल दे किसी एक राज्य हो या राज्यों से हो, विधानसभा की कम कितनी सीटें, 4 सीटें लाना अनिवार्य होगा, तो आपकी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि लोकसभा में 2% सीटें, जो लोकसभा में 2% सीटें होते हैं, यानी लोकसभा की जो वर्तमान सीटें 545, उसमें कितना सीटें, 2% सीटें, और कम से कम क्या बोल रहा है, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों, क्या बोल रहा है, 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई है, तब आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल होगा। इस तरह ऐसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे, अभी वर्तमान में आपसे पूछ दे कि वर्तमान में पूछ दे आपसे कि अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, पार्टी हैं, तो 8, आपको मालूम है 8 राष्ट्रीय पार्टी जो मान्यता प्राप्त पार्टी है, क्योंकि याद रखेंगे सवाल ने बना के देता है कि निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त पार्टी है या नहीं है, ऐसे सवाल बनाकर देता है। तो याद रखेंगे कि आपको जो 8वां पार्टी जो बना है वो NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो बनाया गया आपको 8वां पार्टी का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे। अब ये जो 8 पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी मान्यता प्राप्त, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको भारतीय कम्युनिस्ट दल, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और आपके क्या बोला कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी बोलते हैं, याद रखेंगे। अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो 7वां पार्टी है, और NPP जो 8वां पार्टी है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल दोस्तों बनाकर देता है निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, तो इस तरह ऐसे ऑप्शन देगा आपको, तो याद रखेंगे जो 8 राष्ट्रीय पार्टी है
इससे हम लोग रिपीट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी और क्या बोलते हैं NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये याद रखेंगे 8 मान्यता प्राप्त पार्टी हैं अभी वर्तमान में दोस्तों। तो क्लियर हो गए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन सा। अगर आपसे विस्तार से परीक्षा पूछ देता है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है के बारे में कौन सा कथन सही है या नहीं है, इस तरह से देगा तो याद रखें निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दर्जा के समान होता है। और अगला पॉइंट क्या बोला कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, इस तरह से याद रखें। और ये आपका याद है जो मोस्ट ये पूछते रहता है जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो मोस्ट मोस्ट पूछते रहता है, अगर पूछ दे कि लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में कितने मतलब कुल वैध का मत कितना परसेंट, 6% या फिर 4 अधिक राज्यों से बोल रहा है। और फिर अगर विधानसभा में पूछे कि विधानसभा की कम से कम 4 सीटें राज्य अथवा राज्यों से, कितना विधानसभा की कम से कम कितने 4 सीटें। नेक्स्ट क्या बोला कि लोकसभा में 2%, अगर केवल लोकसभा में पूछे कि लोकसभा में कितना सीटें मतलब 545 का 2% सीटें या फिर कम से कम कितना राज्य, तो 3 विभिन्न राज्यों से आपको मतलब हासिल की गई हो तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आगे क्या बोल रहा है आपका, हाँ देखिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि अब थोड़ा सा मोस्ट अलग से तैयार किए याद रखेंगे इसमें कि EVM, अब यहाँ पे हम लोग देखें EVM है जो काफ्रियों के मतलब हुआ था उसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। उसमें EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब आपसे परीक्षा में पूछ रहे कि पहली बार 1982 में मतलब है किस राज्य में EVM का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पे याद रखें केरल, केरल के कौन सी विधानसभा है, प्रारूर विधानसभा, जो केरल के प्रारूर विधानसभा में जो 50 बूथों पर कितना 50 बूथों पर पहली बार EVM का प्रयोग किया गया था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे पहली बार किस राज्य में EVM का प्रयोग किया गया था तो केरल, कौन सी केरल के प्रारूर विधानसभा सीट पर, कितने बूथों पर 50 बूथों पर। और 1998 में याद रखेंगे MP यानी मध्य प्रदेश के 5 विधानसभा सीटों पर 1998 में, और कहाँ राजस्थान के 5 विधानसभा सीटें और दिल्ली के 6 विधानसभा सीटें पर EVM का प्रयोग किया गया था, कब 1998 में। आप देखेंगे आगे क्या बोला कि EVM का पूरा प्रयोग करके मतलब कौन सा राज्य बना, अगर आपसे पूछ रहे कि EVM का प्रयोग करके 1999 में कब 1999 प्रथम राज्य कौन बना, गोवा, कौन सा बना, गोवा। अगर आपसे पूछे कि EVM का पूरा प्रयोग करके विधानसभा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है तो गोवा, कौन सा राज्य, गोवा, कब 1999 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि EVM का प्रयोग करके पहली बार 2004 में आम चुनाव, कहाँ आम चुनाव मतलब में कराया गया था, EVM का प्रयोग करके पहली बार 2004 के आम चुनाव जो हुआ था उसमें कराया गया था, ठीक है, आम चुनाव पहली बार। अगर पूछ दे कि EVM का प्रयोग करके मतलब आम चुनाव पहली बार कब कराया गया, लोकसभा चुनाव कब कराया गया तो 2004 में, कब 2004 में। अगर आपसे पूछ दे कि अब कि 2009 से आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा के चुनाव का प्रयोग होने लगा, कब से होने लगा EVM का पूरा प्रयोग मतलब प्रयोग 2009 से यानी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का आम चुनाव हो उसमें कब से 2009 से। अब आपसे पूछ दे कि ये भी पूछते रहता परीक्षा में निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र कब से प्रारंभ हुआ तो 1993 से, जो आपको मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र जो आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं हम लोग
जो वोट देने का जो पहचान पत्र होता है वो कब से लागू होगा, 1993 से लागू होगा, याद रखिए। आगे आगे क्या पूछेगा इसमें कि भारत की जो मोस्ट है मिलेगा आपको कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ दे परीक्षा में आपसे कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वी एस रामा देवी को बनाया गया था कार्यवाहक के रूप में, याद रखेंगे। ओके में थे नौवे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, वी एस रामा देवी। शायद बहुत कम मालूम होगा सबको, ये मोस्ट है याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या पूछेगा कि भारत की प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव किसको बनाया गया, भारत की प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया, तो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। कौन सा, डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी को बनाया गया। वो केवे थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 17वें, याद रखेंगे। और ऐसे तो मालूम होगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, डॉक्टर सुकुमार सेन थे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। और प्रथम महिला पूछ दे तो वी एस रामा देवी जो कार्यवाहक बनाई गई थी, और प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाए पूछ दे परीक्षा में तो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। अब यहाँ पे देखेंगे एक मोस्ट है कि नोटा का प्रयोग कराया गया, नोटा तो नोटा का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेंगे। नोटा का मतलब क्या होता है कि नन ऑफ द एबव। तो नोटा का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था 2013 में, कब 2013 में। नोटा का मतलब कि आपका जो प्रत्याशी को चुनने का मतलब है, आप नन ऑफ दीज एक तरह से बोलते परीक्षा में देता है नन ऑफ दीज, तो इस तरह आप मतलब किसी मतलब क्या बोलते हैं प्रत्याशी को चुन नहीं सकते, मतलब वोट नहीं देने का ये नोटा का प्रयोग किया गया था। आपकी इच्छा के अनुसार वोट दे सकते नहीं दे सकते हैं, तो उसमें नोटा का प्रयोग किया गया था उसमें, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आपसे पूछे कि परीक्षा में कि चुनाव प्रसार जो होता है, चुनाव प्रसार जो होता है वो कितने समय पहले रोक दी जाती है, तो 48 घंटे पहले, कितना। हाँ यहाँ पे देखेंगे चुनाव प्रसार जो प्रचार प्रसार है कब रोक दी जाती है, 48 घंटे पहले, याद रखेंगे। परीक्षा में पूछते रहता है, याद रखेंगे कि जो चुनाव प्रसार जो होते हैं चुनाव से संबंधित वो कितने समय पहले रोक दी जाती है, तो 48 घंटे पहले, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो मैं इस तरह वीडियो बनाकर लाया जो शायद आपको अच्छा लगेगा जरूर, और परीक्षा से मतलब रिलेटेड है, इसमें से एक दो सवाल हमेशा आते रहता है मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। ईवीएम का प्रयोग जो कराया गया वो पहली बार केरल के विधानसभा यानी प्रारूर, और ईवीएम का पूरा प्रयोग करके कौन सा राज्य पहला राज्य बना, गोवा, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और ये मोस्ट है आपको कि नोटा का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कराया गया 2013 में, याद रखें, ठीक है। एक यहाँ पे देखें एक आपका पॉइंट छूट रहा था, यहाँ पे दिनेश स्वामी और तारकुंड के समिति का संबंध किससे अगर पूछे तो खर्च, यानी जो अगर चुनाव में सरकार जो खर्च निर्धारित करती है उसके मतलब आप अधिक खर्च नहीं कर सकते, वो संबंधित था दिनेश स्वामी और तारकुंड के समिति का निर्णय लिया गया था कि आप चुनाव में जो सरकार खर्च करने की घोषणा करती है उससे अधिक आप खर्च नहीं कर सकते हैं। ये किससे मतलब दिनेश स्वामी और तारकुंड के समिति से संबंधित है। तो इस तरह आप आज जो बताया गया वीडियो में जो निर्वाचन आयोग के बारे में, तो इस तरह याद रखेंगे इसको। और यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों अब जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आप को जरूर अच्छा लगेगा, और इसमें क्वेश्चन मोस्ट छिपा हुआ, इसलिए वीडियो देखेंगे तो पूरा देखेंगे, तो ठीक है। आप दोस्तों आपसे एक आग्रह करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप रिक्वेस्ट आग्रह करता हूँ कि क्या बोलते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बस आज का जो पार्ट था निर्वाचन आयोग का पार्ट 2 आज समाप्त किया जाता है, मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेटअप क्लासेज, कलम क्रांति जिंदाबाद।